नमस्ते दोस्तों लाइफ इज अ गिफ्ट में आपका हार्दिक स्वागत है आज हम जानेंगे समर्थ रामदास स्वामी के बारे में समर्थ रामदास छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे और उन्हें महाराष्ट्र के महान संत के रूप में माना जाता था समर्थ रामदास ने बचपन में ही राम भक्ति से जुड़ गए थे दक्षिण भारत के उन्हें प्रत्यक्ष भगवान हनुमान का अवतार मानकर पूजा जाता है उन्होंने कई पुस्तकों को लेखन किया था जिसमें प्रमुख पुस्तक दास बोध है जो कि मराठी भाषा में लिखी गई है समर्थ रामदास के समाधि दिवस को दासनवमी के रूप में मनाया जाता है समर्थ रामदास का जन्म रामनवमी के दिन सन 1608 को महाराष्ट्र के जालना गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ उनके पिता का नाम सूर्यजी पंत और माँ का नाम राणुबाई था समर्थ रामदास का असल नाम नारायण सूर्यजी पंत कुलकर्णी था उनके पिताजी सूर्यदेव के उपासक थे और नगर पटवारी के रूप में गांव में काम किया करते थे ब्राह्मण परिवार से होने के कारण पिता सूर्यजी पंत का ज्यादातर समय पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में ही बीतता था इस तरह नारायण यानी कि समर्थ रामदास को हिंदू धर्म की शिक्षा बचपन में परिवार से ही मिल गई थी परिवार में पिता पुत्र के अलावा माता रानूबाई और जेस्ट भाई गंगाधर भी थे नारायण मतलब समर्थ रामदास स्वामी बचपन में बेहद शरारती थे दिन भर गाँव में घूमते फिरते और खेलते रहते थे एक बार उनकी माता उनको डांट फटकार कर रही थी कि तुम दिन भर इतनी शरारत करते रहते हो अपने बड़े भाई से सीखो और कुछ काम किया करो माँ की यह बात नारायण के मन में घर कर गई और अगले दिन से ही उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया अगले दिन जब माँ रानूबाई ने नारायण को घर के आसपास शरारत करते नहीं पाया तो वह व्याकुल हो उठी माँ और भाई गांव में नारायण को ढूंढने निकले पूरा दिन ढिरने के बाद नारायण का पता नहीं चला जब थक हार कर वह घर नारायण के कमरे में पहुंचे तब उन्होंने नारायण को ध्यान मुद्रा में पाया उन्होंने नारायण से पूछा वह कहाँ था नारायण कहते हैं वह औरों की चिंता करने के लिए ही ध्यान लगा कर बैठे थे उस दिन के बाद ही से ही नारायण की जीवनचर्या पूरी तरह से परिवर्तित हो गई वह लोगों को स्वास्थ्य और धर्म संबंधी ज्ञान देने लगे उन्होंने युवाओं के यह बताया युवा ऊर्जा से ही मजबूत महाराष्ट्र की स्थापना की जा सकती है उन्होंने जगह जगह व्यायाम एवं कसरत करने के लिए व्यायामशाला की की स्थापना एवं हनुमान जी की मूर्ति लगाकर नियमित पूजा करने की सलाह दी बारह साल की उम्र में नारायण के माता पिता उनका विवाह कर देना चाहते थे लेकिन वह इस विवाह से बिल्कुल भी खुश नहीं थे वह जानते थे कि उन्हें कहाँ जाना है विवाह के दिन वह मंडप से भाग गए जिसके बाद वह कभी भी घर वापस नहीं आए महाराष्ट्र के नासिक के पास टाकली नामक स्थान को उन्होंने अपना तपोस्थान चुना और बारह वर्षों तक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पूजा अर्चना में लगे रहे उस समय वह खुद को राम का दास बताते थे, थे इसी कारण उनका नाम रामदास पड़ गया बारह वर्ष तक कठिन तपस्या करने के बाद उन्हें भगवान राम के साक्षात्कार हुए जब उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ तब उनकी आयु मात्र चौबीस वर्ष की थी जिसके बाद वह अगले बारह वर्ष के लिए भारत भ्रमण की यात्रा पर निकल पड़े इस दौरान उन्होंने काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कुल ग्यारह सौ मठ और अखाड़ों की स्थापना की जिसमें लोगों को खुद को सशक्त कर जुर्म और अत्याचार से बचने की शिक्षा दी जाती थी उनके इसी उद्देश्य प्राप्ति के दौरान उनकी मुलाकात छत्रपति शिवाजी से हुई छत्रपति रामदास के गुणों से बेहद प्रभावित हुए और उन्हें गुरु मानकर अपना पूरा मराठा राज्य दान कर दिया रामदास शिवाजी से कहते हैं यह राज्य न तुम्हारा है ना ही मेरा यह राज्य श्री राम का है हम सिर्फ न्यासी है रामदास की शिवाजी से इस मुलाकात के बाद शिवाजी ने उनके स्वराज्य स्थापना के स्वप्न को साकार कर दिया और पूरे दक्षिण भारत तक मराठा साम्राज्य का विस्तार किया गुरु रामदास ने अपने जीवन के अंतिम क्षण मराठा साम्राज्य के सतारा के पास परली के किले बिताए इस किले को अब सज्जनगढ़ के किले के नाम से ही जाना जाता है तमिलनाडु के एक अंध कारीगर अरणिकर के हाथों से निर्मित भगवान राम सीता और लक्ष्मण की मूर्ति के सामने ही रामदास ने पाँच दिन का निर्जला उपास किया और पूर्व सूचना देकर सन उन सो की माध मा की शुक्ल पक्ष की नवमी को ब्रह्म समाधि में लीन हो गए समाधि के समय उनकी आयु त्रेहत्तर वर्ष की थी ब्रह्म समाधि के स्थान पर ही सज्जनगढ़ में उनकी समाधि स्थित है उनके निर्वाण दिवस को दास नवमी के रूप में मनाया जाता है हर वर्ष इस दिन लाखों श्रद्धालु देश के कोने कोने से यहाँ पहुँचते हैं और दर्शन करते हैं